पप्पू यादव ने शेल्टर होम को लेकर नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, शेल्टर होम की बेटियों को मिला न्याय तब तक अधूरा है जब तक कि सिर्फ ब्रजेश ठाकुर को ही उम्र कैद नहीं बल्कि उसके संरक्षक बिहार के हुक्मरानों का पूरा जीवन भी कैद खाने में बेड़ियों की जकड़न में व्यतीत हो। वैसे बहसी रहनुमाओं की रहनुमाई पर सबसे बड़ा दाग है मुजफ्फरपुर शेल्टर होम गैंगरेप। इससे पहले पप्पू यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार पर भी तंज कसा था। पप्पू यादव ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी को हरा कर दिल्ली की जनता ने उनकी नफरत का जवाब दिया है। बता दें, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस का दोषी ब्रजेश ठाकुर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ब्रजेश ठाकुर शेल्टर होम में कई नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण और मारपीट के दोषी पाए गए थे। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला तब चर्चा में आया था जब 26 मई 2018 को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने बिहार सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें जिक्र किया गया था कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण हो रहा है। कोर्ट ने 20 जनवरी को ब्रजेश ठाकुर को दोषी ठहराया था। यौन शोषण के मामले में कोर्ट ने 20 आरोपियों में से 19 को दोषी पाया था। ब्रजेश ठाकुर पर नाबालिग बच्चियों और युवतियों के यौन शोषण के आरोप लगे थे। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने इसे सही पाया। ये पूरा मामला बिहार के शेल्टर होम में नाबालिग बच्ची और युवतियों से दुष्कर्म से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पूरे मामले की सुनवाई दिल्ली के साकेत जिला अदालत में की गई।